बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आज वाकई ही गुजरात ने साबित कर दिया है कि हमारे पे कोई एहसान करे तो हम उसको डबल करके वापस करते हैं। बहुत मेहरबानी। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने गुजरात को डिवीज़न बनाने की इजाज़त दी। बहुत मेहरबानी सर। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हो। मैं उन सारों को सिर्फ एक जवाब देता हूँ, पाकिस्तान का नक्शा मेरे सामने रखो, मेरे साथ बैठ जाओ और देख लो पाकिस्तान में किस वाहिद आदमी की सबसे ज़्यादा हुकूमत है, वो सिर्फ इमरान खान है। मियां शहबाज साहब जो हैं वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक हैं। और जिस दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको उधर ही बंद कर दो, हम उधर ही इनको डक देंगे, इधर गुजरात मरियम बीबी आई थी पीछे एक कॉर्नर मीटिंग अटेंड करने, बड़ा बोल रही थी, बड़ी बातें की उन्होंने, तो मरियम बीबी आपने किए जलसी, ये होता है जलसा। अब मरियम बीबी आपके लिए एक ही मेरा मशवरा है कि आपके बस की बात नहीं है, अब्बा जी को ले आओ। और सही बात बताऊं, अब्बा जी भी, चाचा जी भी और कुकड़ी भी सारे के सारे मिलके और बाकी भी पीडीएम मिलके फिर भी हमारे खान साहब के बराबर नहीं होते। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि परवेज साहब ने भी बात करनी है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपसे बात करनी है। मैं सिर्फ दो गुजारशात करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। पहली तो ये कि खान साहब, हमें पता है माशाल्लाह मियांवाली में बड़ी सपोर्ट है आपकी, लेकिन अगर आप हमें गुजरात वालों को एक मौका दें अगले जनरल इलेक्शन में तो इंशाल्लाह मियांवाली से ज़्यादा लीड मिलेगी आपको। दूसरी सर आपको एक गुजारिश करनी है, ये जितनी यूथ है पाकिस्तान की ये बहुत शिदाई है आपकी, बहुत बड़ी फैन है आपकी, तो सर रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि सर इनको थोड़ा सा ये भी समझाएं कि घर में बड़ों की इज्जत करें, इख्तलाफ़ राय ज़रूर करें लेकिन तमीज़ तरीके से, प्यार मोहब्बत से। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।